हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे दो हॉस्पिटल हैं। एक हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी जो लोग हैं उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती रखते हैं और उनका इलाज करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं कि जो ऐसा कहते हैं कि बिजनेस में हम फेल्योर है, और उनको डिप्रेशन आता है, बिजनेस में फेल हो गए, बहुत पैसा लगा देते हैं और फिर डिप्रेशन आने के बाद में फिर काउंसलिंग किया था, काउंसलिंग करने के लिए आते हैं। जब बातचीत चलती है तो मालूम पड़ता है कि उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था बिजनेस करने का। एक व्यक्ति को मैं काउंसलिंग कर रहा था, उसमें कुछ बातें सामने आई, वो मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि कुछ लोग, मतलब 50% लोग बिजनेस करने का ट्राई नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, चालू ही नहीं करते, तो वो पक्का फेल्योर है बिजनेस में, क्योंकि उन्होंने शुरू ही नहीं किया। अब बचे हुए 50% जो है उसमें के कम से कम 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस पैसे हैं, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगा दिए, पता नहीं वो बिजनेस कैसे करना है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कहाँ उसकी कोई प्रैक्टिस की नहीं है, कहाँ मतलब अप्रेंटिसिंग नहीं किया, कोई डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, और चालू कर दिया बिना कुछ एक्सपीरियंस का, तो उन्हें डेफिनेटली फेल होना है। और फेल होके 10-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए गंवा देंगे, दिवाला पीटेंगे, बैंक का लोन डुबा देंगे, और फिर घर घर में बैठेंगे, बोले हमको बिजनेस आता नहीं है, वो पक्के फेल्योर है। और तीसरा जो क्लास है कि जो बहुत ही कम है, जो मतलब 10 में से 9 लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कौन सा क्लास है कि जो खुद एक्सपीरियंस लेते हैं, तजुर्बा लेते हैं वो बिजनेस का, वो बिजनेस चलाना कैसा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कहीं जाके काम करते हैं, किसके हाथ के नीचे काम करते हैं, वो बिजनेस में उनका कोई क्वालिफिकेशन होता है, सेल्स का ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर वो सब करने के बाद में फिर धीरे 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 छोटे पैमाने पे चालू करते हैं और फिर बढ़ाते 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 जाते हैं। यदि आप बड़े पैमाने पे बिजनेस चालू करते हैं तो फिर लॉस सहन करने की ताकत होना जरूरी है, मतलब लॉस एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, वो नहीं होंगी तो जितना पैसा है उतना लगा दिया, शुरू में लॉस आ गया तो डूब गए। हमेशा ये ध्यान रखो कि आप जब चालू करते हैं बिजनेस तो शुरू की कुछ दिन जो है वो तो प्रैक्टिस है, उसमें तो आपकी मतलब नुकसान, आपका नुकसान होने वाला ही है, क्योंकि आपको मालूम नहीं क्या करना है। तो शुरू में तो अपने को बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, और उसमें थोड़ा सा रुक के फिर वो सहन करके उतनी कैपेसिटी होना, और फिर बाद में सफल हो सकते हैं। ये स्विमिंग पूल जैसा है, समझो स्विमिंग पूल में आपको मालूम नहीं स्विमिंग कैसा करना, आप समझो पानी में उतरे नहीं, और पानी में उतरे नहीं तो आपको मालूम ही नहीं स्विमिंग कैसा करना, और डेफिनेटली आप स्विमिंग सीखेंगे ही नहीं, और आप डेफिनेटली फेल है। कुछ लोग ऐसे है, समझो एखादा व्यक्ति है कि जो बोलता है हाँ मैं सीख लूंगा, मालूम नहीं है, और उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया तो डेफिनेटली वो डूब जाएगा। और तीसरा व्यक्ति है वो जहाँ शैलो वाटर है स्विमिंग पूल पे, एक बाजू जहाँ पैर नीचे टिकते हैं वहां समझो चले गया, वहां खड़ा है, वहां से धीरे 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 गहरे पानी में आ रहा है, उसको कोच है और कोच उसको सिखा रहा है स्विमिंग कैसा करना है, तो और धीरे 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 वो हाथ पैर मारना सीख रहा है और स्विमिंग सीख रहा है, तो वो पक्का सीखेगा। तो स्विमिंग के लिए हमको मालूम है क्योंकि वहां डूब जाएंगे, वहां मर जाएंगे, ये मालूम है कि स्विमिंग के लिए हम ऐसे पानी में उतरेंगे नहीं, ऐसी छलांग लगाएंगे नहीं जब तक अपने को स्विमिंग नहीं आता। मगर बिजनेस में ऐसा नहीं है, लोग चालू कर देते और वहां डूब जाते हैं। कोई भी बात आपको सीखना है तो कैसे सीखना, एक तो है कि भाई आपको पहले लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अर्निंग के ऊपर नहीं। आप यदि लर्निंग करेंगे, सीखेंगे पहले शुरू में बिना अर्निंग का, फोकस आपका लर्निंग के ऊपर है, तो फिर डेफिनेटली अर्निंग होगी। वो लर्निंग कैसे करना है, सीखना कैसे है, तो पहले है स्टेप ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, तो भी कि भाई कौन कैसा कर रहा है। जैसा अभी मैं डॉक्टर हूँ तो सर्जरी है, तो सर्जरी सर्जन जब ऑपरेट करता है तो
जो नया डॉक्टर रहता है वो उसको देखता है कि ये सर्जरी कैसा कर रहा है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन के बाद में सेकंड स्टेप आती है अंडरस्टैंडिंग, समझ लेना, किताबें पढ़ना, नॉलेज लेना, कोई उसके ऊपर के वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना और काफ़ी सारे चर्चा करना, अलग अलग ठिकान से मतलब अलग जगह से उसकी माहिती लेना और अंडरस्टैंड करना कि वो क्या विषय है, मतलब कंप्लीट नॉलेज लेना। हो सकता है कि पहले नॉलेज है बाद में ऑब्जर्वेशन है। फिर तीसरा जो है उसमें है कोचिंग, कि किसी तो भी कोच मतलब अपने को कोच अपना रहना चाहिए और वो कोचिंग हमको कर रहा है कि बिजनेस कैसा चलाना है या जो भी करना है वो कोच अपने को सिखा रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, हाथ पकड़ के सिखा रहा है वो आपको कि कैसा करना है। तो तीसरा स्टेप जो है वो कोचिंग है। फिर चौथा है कि डूइंग अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब आप खुद कर रहे हैं और कोई तो भी आपको देख रहा है और देख के आपको आपकी गलतियां बता रहा है, मतलब जवाबदारी जो है वो सामने वाले की है, आप काम कर रहे हैं, आपका कोच आपको देख रहा है, आपका जो सिखाने वाला है वो आपको देख रहा है, आप काम कर रहे हैं और समबडी इज ऑब्जर्विंग यू, कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी गलतियां बता रहा है, आपको गिरने देगा नहीं, आपको गलती नहीं करने देगा और कोई तो भी ऑब्जर्व कर रहा है, वो होंगे नेक्स्ट स्टेप। और पांचवी स्टेप जो है वो फिर आपको खुद को करने का है, डूइंग इंडिपेंडेंटली। तो यदि आप ऐसा काम करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब मैं वो व्यक्ति को काउंसिलिंग कर रहा था, वो जो मेरे पास में डिप्रेशन का जो आया था व्यक्ति, कि जो धंधे में लॉसेस आए, धंधे में पैसे लगा दिए, लॉस आ गया और उससे काफ़ी सारा डिप्रेशन आ गया, जब उसको मैं बातें कर रहा था, काउंसिलिंग कर रहा था, तो उसको फिर मालूम पड़ा कि अपन ने गलती क्या किया। उसको कुछ पैसे मिले थे, रिटायर हो गया, पैसे मिले थे, किराना शॉप डाल दिया और उसमें उसको कोई नॉलेज नहीं है और उसमें डूब गया। फिर उसने मेरे से बात किया और बोले ठीक है, अभी मैं आपने जो स्टेप्स बताया है वो स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा, वो स्टेप्स सीखूँगा और वो स्टेप्स सीख के मैं मेरा धंधा फिर से चालू करूँगा। कुछ दिन बाद में फिर आया, हो उसका डिप्रेशन काफ़ी हल्का हो गया था, काफ़ी ठीक हो गया था, बोले अभी मैं सीख रहा हूँ, एक दुकान में मैं काम कर रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं मेरा धंधा चालू करूँगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, बिजनेस चालू करना है, बिजनेस में लॉसेस खाए। आप जरूरी वीडियो लोगों को शेयर करो, हमारा ऐसा मिशन है, हमारा ऐसा विजन है कि भाई मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, और सबको एम्पावर करना, सबको ताकत देना, सबको सिखाना, और एक हर एक व्यक्ति की हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हमारे इंडिया में, हमारे देश में, और उसके साथ साथ व्यसन मुक्त भारत। तो या आपके ग्रुप में जरूर ये वीडियो शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।